कैसे हैं आप लोग? आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी, रिवीजन भी हो गया होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने थ्योरी क्वेश्चंस दिए थे। लुक स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि क्या पूरा पेपर उसी में से आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कंफर्मेशन कोई भी नहीं दे सकता है आपको, सब अपना इंट्यूशन ही आपको शेयर करते हैं। तो इसी बेसिस पे मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो दिया है। बट आपको एक श्योरिटी जरूर करती हूँ कि अगर पांचों यूनिट में से आपको थ्योरी क्वेश्चंस मिले, तो उन पांचों यूनिट में से जो थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं जो इम्पॉर्टेंट आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उन्हीं में से आएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा तो आंसर तो आपको वही लिख के आना है। सपोज कीजिए आपने वो चैप्टर प्रिपेयर किया है बट वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपने जो भी उसमें से याद किया है चैप्टर से रेलिवेंट वो आपको लिख के आना है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट में हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच है, तो इसमें से हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का चैप्टर लेते हैं जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें से थ्योरी आने के चांसेस अच्छे बनते हैं। तो क्या थ्योरी आ सकती है उसको मैं आपको अभी इन शॉर्ट समझा देती हूँ और उसे ही आप याद करके जाएंगे। प्रॉपर तरीके से लिखना है आपको, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन जो ज़्यादा अच्छे से आता है उसको आपने ज़्यादा टाइम दे दिया और उसमें बहुत सारे पेजेस फिल कर दिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि 20 मार्क में आपको, इसमें आप थ्योरी अटेंड कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 18 और 19 स्कोर कर सकते हैं, फाइन। तो इसलिए आपको अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्विक रिवीजन में, दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, विभागीय खाते। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। विभागीय खातों से आप क्या समझते हैं? विभागीय खाते बनाते समय किन किन समस्याओं का उदय होता है उन्हें समझाइए। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द बेसिस ऑन विच द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर अपोर्शनड। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुभाजन किस आधार पर किया जाता है वो आपको बताना है। व्हाइल प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, द अपोर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नेसेसरी। भागीय व्यापार एवं लाभानी खाता बनाते समय अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुभाजन जरूरी है, कि आप किस तरीके से उसको विभाजित करते हैं, अलोकेट करते हैं। डिस्कस सच एक्सपेंसेस एंड द बेसिस ऑन विच देयर अपोर्शनमेंट इज मेड। आप उन व्ययों को डिस्कस कीजिए और बताइए कि इनका जो अनुभाजन है या इनका अलोकेशन है वो किस बेसिस पे, किस आधार पे किया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन ही सेम है, डिफरेंस सिर्फ है कि एक में आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मीनिंग लिखना है और एक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग लिखना है। लेकिन जो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड बेसिस है, वो तीनों का सेम है और तीनों में सेम ही आंसर आएगा। तो इस जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपका क्या क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन का। जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन है, अंतर विभागीय व्यवहार है, स्टॉक का होता है, उस स्टॉक से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन बनता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये चार क्वेश्चन ही इस टॉपिक में बनते हैं और आंसर सबके सेम हैं। तो आपको सिर्फ लर्न क्या करने हैं, दो ही आंसर्स लर्न करने हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंटल अकाउंट आपको पता है उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय का अनुभाजन, सेकंड इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन। तो हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, विभागीय खाते क्या है। विभागीय खाते, लुक स्टूडेंट्स, आपने सबने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सुन रखा है। तो यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, इसमें प्रोडक्शन और प्रोसेसेस लार्ज अमाउंट में होता है। ये अकेले
उसको नहीं कर पाता है तो इसने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। तो यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में बांट दिया इसने, ए ये हुआ, बी ये हुआ, सी दिस इज डी। तो इस ये अपना काम चार डिपार्टमेंट्स के थ्रू करवा रहा है। अपने प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए इन सब डिपार्टमेंट्स का भी इसको अकाउंटिंग रखनी ज़रूरी है, तभी तो उसको पता लगेगा कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इसके लिए ये इन डिपार्टमेंट्स का अकाउंटिंग करवाता है। इन विभागों के जो भी अकाउंट्स होंगे वो क्या होंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर फाइनल अकाउंट्स, क्या है, फाइनल अकाउंट्स है विच आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच डिपार्टमेंट बीइंग डिजायर टू असर्टेन द ट्रेडिंग रिजल्ट्स। ट्रेडिंग रिजल्ट्स क्या हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से सभी डिपार्टमेंट का अलग व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बना लिया जाता है, जिससे कि इनके प्रॉफिट और लॉस का पता लग जाता है। फाइन, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मीनिंग आपको क्लियर है। ये इसके फाइनल अकाउंट्स होते हैं जो कि अलग अलग बनाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल अकाउंट से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई है तो आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को इजीली बता सकते हैं। कैसे, टू नो सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सेपरेट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाए जाते हैं हर डिपार्टमेंट वाइज, तो सबका अलग अलग प्रॉफिट और लॉस पता लग जाता है, जिससे कि जो डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा है उसके कारणों को पता लगाया जाए और उसको भी प्रॉफिटेबल बनाया जाए, और जो प्रॉफिटेबल है उसको मोर प्रॉफिटेबल बनाया जाए। नेक्स्ट है टू एस्टैब्लिश द परफॉर्मेंस ईच डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट की आपको इससे परफॉर्मेंस भी पता लग जाती है। टू रिव्यू द कंपेरेटिव एफिशिएंसी, सभी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो या दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट सेम वर्क कर रहे हैं, सेम प्रोसेस कर रहे हैं, बट उनकी एफिशिएंसी में अंतर है, तो उनके कारणों को, उनके कॉजेस को पता लगाना। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट कंट्रोल ओवर वर्किंग ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की कार्य को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है टू मेक पॉलिसीज फॉर फ्यूचर सक्सेस, आप प्रेजेंट डेटा को कलेक्ट करके आप फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बना लेंगे। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द सेल्स, उनकी बिक्री का पता लगाना। टू कीप नॉलेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के खर्चों का एनालिसिस करना। नेक्स्ट इज टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट बजट, अब आपको जब इनके इनकम और एक्सपेंसेस का एनालिसिस हो जाता है, ज्ञान होता है, तो हर डिपार्टमेंट वाइज बजट प्रिपेयर करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है टू रिवॉर्ड द डिपार्टमेंट मैनेजर एंड स्टाफ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि सेम डिपार्टमेंट है, सेम प्रोसेस पर वर्क कर रहे हैं, बट एक प्रॉफिटेबल है और एक नॉन प्रॉफिटेबल है, तो जो प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर्स और स्टाफ को अवार्ड देना, जिससे कि जो नॉन प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट है वो भी आगे आकर काम करे। तो इन्हीं सभी ऑब्जेक्टिव्स को आपको ध्यान पे रख के आना है और लिख के आना है एग्जाम में। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, लुक स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया गया कि जितने डिपार्टमेंट होंगे उनका अलग से लेखा किया जाएगा, उनकी कॉस्टिंग को अलग रखा जाएगा, उनके इनकम और एक्सपेंसेस को अलग रखा जाएगा और अलग ही उनका प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाएगा। तो अब ये किस टाइप से किया जाए, उसके लिए कौन सी अकाउंटिंग ली जाए, तो इसके लिए दो मैथड है। फर्स्ट है यूनिट वाइज, सेकेंड है कॉलमनर मैथड। अब यूनिट वाइज में क्या होता है कि हर यूनिट का अलग अलग, डैट मीन्स हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अकाउंट मेंटेन किया जाए। सपोज कीजिए ए है, बी है, सी है और डी है, इन सब के अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर किए जाए।
तो अब ये जो अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं इनसे लेबर बढ़ जाता है, वर्क लेंथी हो जाता है और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये जो मेथड है वो फ्रूटफुल नहीं होता है। तो इसी को फ्रूटफुल बनाने के लिए एक और मेथड बताया गया है, डैट इज कॉलमनर मेथड। अब इस मेथड में क्या है, आप अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते हैं हर डिपार्टमेंट के, बट जो आप अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। लाइक सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, अब इस सेल्स अकाउंट में आप ये हो गया डिपार्टमेंट ए का, ये बी का, ये सी का और ये डी का। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपने अकाउंट तो एक ही मेंटेन किया जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट अलग अलग आपने क्या बना दिए, उसके कॉलम्स बना दिए, जिससे कि आपका काम इजी हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही परचेजेस अकाउंट बनेगा और इस टाइप से इसमें कॉलम बनाए जाते हैं। तो कौन सा मेथड फ्रूटफुल रहा, कॉलमनर मेथड फ्रूटफुल रहा, जिसमें कि आप कॉलम्स बनाकर काम करते हैं। फाइन, तो अब आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के दोनों सिस्टम्स पता है, यूनिट वाइज और कॉलम वाइज। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, डैट इज अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब जब आप सबका अकाउंट एक मेंटेन कर रहे हैं बट कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, आप जो एंट्री करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, वो किस विभाग का है, किससे रिलेटेड है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर कुछ मेथड्स बताए गए हैं। फर्स्ट है हमारा एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों का अनुभाजन, जो तीन टाइप से होता है, या कह सकते हैं जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हर डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जब वो चीज़ उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो उसी के अकाउंट में जाएगी। फाइन, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है अलोकेबल एक्सपेंसेस, जिनको कि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अब इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में कौन से बेसिस पे बांटेंगे, तो वो आ जाएगा आपका अलोकेबल एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट है आइटम्स विच कैन नॉट बी अलोकेटेड, और कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको कि आप अलोकेट नहीं कर सकते हैं, ना तो वो डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है, ठीक है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो कौन कौन से हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो पहले हम ये दो डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेकेंड है आइटम्स कैन नॉट बी अलोकेटेड। आपको शॉर्ट में बताया गया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहे कोई से भी हो, आपको हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग गिवन होंगे, तो वही आपके क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लाइक एग्जाम्पल है, डिपार्टमेंट ए के एम्प्लॉयज की सैलरी है तो आपको ए से ही चार्ज करना है। नेक्स्ट है आइटम्स नॉट टू बी अलोकेटेड, जिनको आप अलोकेट बांट नहीं सकते हैं। फाइन, तो अब आप क्या करेंगे, इनका जब आप बांट ही नहीं सकते तो अब आप क्या करेंगे, देखिए लास्ट में जनरल पी एंड एल अकाउंट बनेगा, उन्हीं में इन आइटम्स को लिखेंगे, क्योंकि आप इनको बांट तो सकते ही नहीं है बट चार्ज करना जरूरी है। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग इन पी एंड एल अकाउंट में तो आपका क्या आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये जो बचे हुए जिनको कि आप अलोकेट नहीं कर सकते हैं वो जाएंगे जनरल पी एंड एल अकाउंट में, क्योंकि जनरल में इसलिए क्योंकि वे इन दोनों से रिलेटेड है। तो ये है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्टर्स फी, सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में आंसर में लिख के आनी है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। फाइन, नाउ अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो गया आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में, ये किस में जाएंगे, जनरल पी एंड एल अकाउंट में। सेकेंड पॉइंट जो हमारा डिस्कशन का था वो था अलोकेबल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप किस आधार पे बांटें,
तो वो आधार क्या दिए गए हैं, ये दिए गए हैं जो कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज सेल्स बेसिस, विक्रय के आधार पर किसको बांटा जाएगा, जो भी सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको आप सेल्स बेसिस पे करेंगे, लाइक कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट्स हो गए, एडवर्टीजमेंट हो गया, सैलरी और कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ये सारे किस में आएंगे, सेल्स बेसिस पे। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तीन चार डिपार्टमेंट है, चारों की सेल्स को यहाँ लिख देंगे, उनका रेशियो निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको बांट देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, इंटर डिपार्टमेंट सेल एंड परचेज सेलिंग प्राइस पे होती है, तो आप उसको हर डिपार्टमेंट की सेल में इंक्लूड करेंगे, वो सेल्स भी इंक्लूड होगी और उसी के अकॉर्डिंग सेल्स बेसिस निकालेंगे, ठीक है। तो पॉइंट आपको याद रखना है, वो यही पॉइंट है कि सेलिंग प्राइस पे है तो आप उसको सेल्स में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है परचेज बेसिस, जो भी एक्सपेंसेस परचेज के आधार पर हुए हैं, लाइक डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया और कैरेज इन्वर्ड हो गया, और इस टाइप से सारे एक्सपेंसेस जो भी परचेजेस पे डिपेंड है परचेजेस बेसिस पे होंगे। एरिया ऑक्यूपाइड बेसिस, लाइक हर डिपार्टमेंट के एरिया को काउंट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग इसका अपोर्शनमेंट होगा, लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, लाइटिंग हो गया, तो ये किस बेसिस पे होते हैं, एरिया बेसिस पे। नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस का हो गया। नेक्स्ट है अदर बेसिस, जो इन चारों में नहीं आता है वो किस में आता है, इसमें आता है अदर बेसिस में। देखिए सेल्स बेसिस पे आ गए, कमीशन ऑन सेल्स, कैश डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कैरिड आउटवर्ड्स। लुक स्टूडेंट्स, आपको इसको बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही लिख के आना है, फाइन। इधर इसका ऊपर मीनिंग भी लिखेंगे कि सेल्स बेसिस पे कैसे, तो क्या द एक्सपेंसेस डेट आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो वो क्या आ जाएगा, सेल्स बेसिस। परचेजेस बेसिस का भी लिख के आना है कि जो परचेजेस बेसिस पे अपोर्शन होते हैं, इसमें क्या एग्जाम्पल्स है, कैरेज इनवर्ड, कमीशन ऑन परचेज, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारे हैं। नेक्स्ट एरिया ऑक्यूपाइड पे आ गया, रेंट, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फायर एक्सटिंग्विशमेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट वेजेस पे देखिए, डायरेक्ट वेजेस का ध्यान रख लेना क्योंकि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इसमें कि डायरेक्ट वेजेस पे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो ये एक्सपेंसेस है कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज, स्टेट इंश्योरेंस एंड अदर लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये जरूर से याद रखना है इसको। नेक्स्ट है अदर बेसिस, अब अदर बेसिस में क्या लिया जाएगा, फर्स्ट हो गया लाइटिंग एक्सपेंसेस। अब कुछ ऐसे मिक्स्ड हैं, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, लाइटिंग एक्सपेंसेस के लिए आप क्या देखेंगे, फ्लोर स्पेस जो भी ऑक्यूपाइड किया गया है वो। नेक्स्ट है पावर एक्सपेंसेस, जो है हॉर्स पावर ऑफ द मशीन मल्टीप्लाइड बाय देयर वर्किंग आवर्स, अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, ये पर्टिकुलर मशीन के हो जाएंगे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ असेट से होगा, हर डिपार्टमेंट की क्या है असेट, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन आप डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो होगा वैल्यू ऑफ असेट्स पे, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक विल बी अकॉर्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ द स्टॉक। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। सुपरविजन एक्सपेंसेस, वो सुपरविजन और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है तो उसमें उस सुपरवाइजर की सैलरी को डिवाइड कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में आप क्या तीन चीज पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या पढ़ेंगे, जनरल P&L अकाउंट, डायरेक्ट एंड अलोकेबल,
इसमें आ गए, इसमें कौन से आ जाएंगे? आइटम्स कैन नॉट बी अलोकेटेड। और उसके बाद में क्या बनेगा हमारा? बैलेंस शीट। सीक्वेंस समझ आ गया आपको? नेक्स्ट है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्टार्टिंग से एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट है इसके चार डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? ए बी सी एंड डी। अब ए बी एंड सी और डी एक दूसरे को माल बेचते हैं। ए ने 10 यूनिट्स कितने पर? 110 रुपए पर किसको सेल की? सी डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए क्या होता है, ईयर वाइज एक बुक, सेपरेट बुक मेंटेन होती है कि कौन से डिपार्टमेंट ने किस डिपार्टमेंट को सामान बेचा है। और लास्ट में क्या एंट्री हो जाएगी? रिसीवर्स डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गिवर डिपार्टमेंट, ये एंट्री हो जाएगी। साल भर में हर डिपार्टमेंट का अलग अलग उसने लेखा रख लिया है और फिर उनका लास्ट में टोटल कर लिया जाएगा। जो रिसीवर है उसको डेबिट, गिवर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब ये जो ए डिपार्टमेंट है उसने सी डिपार्टमेंट को 10 यूनिट सेल करी है 110 पर। अब इसको हमने 110 को क्या मान लिया है? सेलिंग प्राइस, जिसमें 10 रुपये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। अब इस 10 यूनिट में से 8 यूनिट सेल हो गई और 2 यूनिट बच गई। अब जो ये 2 यूनिट बच गई वो इसके क्लोजिंग स्टॉक में है। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होना चाहिए? कॉस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे ही ये डिपार्टमेंट में सेलिंग प्राइस पे करते रहे तो कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्चुअल कंडीशन है उसका पता नहीं लग पाएगा। तो इस ड्रॉबैक से बचने के लिए वो एंट्री होती है, फर्स्ट होती है ईयर एंड में, सेकंड होती है ईयर स्टार्टिंग में। ईयर एंड में इसलिए होती है क्योंकि जो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया, इस स्टॉक में हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट मिला नहीं है, मिलना चाहिए था सी डिपार्टमेंट को, तो इसकी एंट्री की जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री होती है हमारी ईयर एंड पर, जनरल पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व या फिर टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, सेम है, किसी से भी कर सकते हैं। ऑन स्टॉक। नेक्स्ट है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में क्या होगी? इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो माल अब आ गया है इस साल के स्टार्टिंग में वो अब बिकेगा। फाइन, बिकेगा तो आपका प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? रिवर्स हो जाएगी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। आई होप एंट्री क्लियर होगी। एक ही एंट्री है, एक एंट्री याद हो गई क्या कि पी एंड एल में डाल दिया आपने स्टॉक रिजर्व के नाम से, फाइन। और नेक्स्ट ईयर में इसकी रिवर्स एंट्री हो गई। अब बात आती है अमाउंट की। वो कंडीशन है, फर्स्ट है सेलिंग प्राइस पे, अगर बेचता है, और सेकंड आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस पर। तो स्टॉक रिजर्व की आपको अमाउंट निकालना है,
ट्रांजेक्शन किस पे हुआ है? सेलिंग प्राइस पे। तो रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 इनटू वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस पर है, तो रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इन क्लोजिंग स्टॉक। लुक स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर को पूरा करना है तो ये थ्योरी तो मैंने समझा दी है और मैंने इसके प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। सारे क्वेश्चंस करके जाइए और ये करके जाइए, आपका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि बहुत इजी है। डेफिनेटली आपके इस यूनिट में 20 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि इसमें से या तो थ्योरी और प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ बनेगा, और प्रैक्टिकल भी क्या बनेंगे, इजी ही बनेंगे, जो कि आपका इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन डैट मींस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का है। वो ट्रीटमेंट आपको समझ आ गया है, नहीं समझ आया तो जो मैंने प्री वाई क्यूज में समझाया है उनके थ्रू समझिए और इसको अच्छे से करके जाइए। ठीक है, और जिन बच्चों ने दोनों चैप्टर्स अच्छे से किए उनको सारे इलस्ट्रेशंस दोनों चैप्टर के बहुत अच्छे से करके जाने हैं।